ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 1970 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाप दादा ने आज हम बच्चों को हमारी फुल स्टेज कैसी होनी चाहिए, बाबा को सदा प्रिय है परफेक्शन, संपूर्णता, संपन्नता। अगर थोड़ी भी कोई मार्जिन रह जाती है उसका अर्थ है कोई ना कोई फ्लॉ रहा हुआ है। फ्लॉ अर्थात कमजोरी। जैसे हीरा है, हीरा चमकदार फ्लॉलेस, उसकी कीमत अलग होती है, और थोड़ा सा भी दाग होता है तो उसकी कीमत में अंतर पड़ जाता है। इसी रीति आज बाप दादा हम बच्चों को फ्लॉलेस बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। सारी ही मुरली बाबा की इस विषय पर है, उसके विस्तार पर है। आइए बाबा के ही महावाक्यों में सुनेंगे। बाबा ने आज आते ही कहा है कि मास्टर जानी जानन हार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। नॉलेजफुल बन गए व नॉलेजफुल बन रहे हो, नॉलेजफुल बन रहे हो व ब्लिसफुल बन रहे हो, बन रहे हो व बन गए हो। तो बच्चों ने जवाब दिया बन रहे हैं। बाबा आते सार बच्चों की कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं, उस लेवल पर ला रहे हैं। ऐसा है कि एक होता है फुल, और बाबा कहता है कि हर चीज में फुल, अगर फुल नहीं है तो कोई फ्लॉ है। फ्लॉ का अर्थ कमी भी होता है, और अगर हीरे से तुलना की जाए डायमंड से, जो बिल्कुल फ्लॉलेस डायमंड होता है उसकी बहुत कीमत होती है, और जिसके अंदर कोई ज़रा मासा भी कोई लहर हो, फ्लॉ हो, उसकी कीमत बहुत घट जाती है। तो हम ये भी जानते हैं कि संगम युग को डायमंड एज कहा जाता है। इस समय आत्माओं को फ्लॉलेस बनना है, यानी बिल्कुल परफेक्ट हीरा बनना है, हीरे तुल्य हमारा जीवन बनना है। तो बाबा ने इस बात में जोर दिया है फुल पर। तो बाबा ने कहा है कि मास्टर नॉलेज फुल बन गए हो या बन रहे हो। तो अगर मास्टर नॉलेज फुल बन गए हो तो हर बात की फुल नॉलेज है या बन रहे हो। और फिर आगे चल के बाबा ने कहा है कि मास्टर ब्लिसफुल बन गए हो या केवल नॉलेजफुल ही हो। तो भाव अर्थ इसका यही है कि पूरा ज्ञान होगा तो परफेक्शन होगी, फ्लॉलेस हीरा होंगे, और कोई भी किसी प्रकार की भी उसमें कमी बेशी नहीं रहेगी। तो इस तब बाबा कह रहे हैं कि फुल पर अटेंशन देना है। अगर अभी भी कहेंगे हम फुल नहीं बने हैं या बन रहे हैं, फिर ज्ञान का जो फल है वो है आनंद स्वरूप स्थिति, ब्लिसफुल। तो ये भी देखना है कि हम नॉलेजफुल हैं, साथ साथ हम ब्लिसफुल भी हैं और फुल हैं। तो ये बाप दादा कह रहे हैं। नॉलेज के साथ बाबा ने ब्लिस को जोड़ा है, यानी बाबा ने कहा कि एक है ज्ञान, और ज्ञान का फल क्या है, आखिरकार हमारी स्थिति आनंद स्वरूप रहे, और सदा आनंद स्वरूप रहे वो तभी हो सकता है अगर सदा हम
नॉलेज से फुल रहेंगे तो आनंद से भी फुल रहेंगे, नहीं तो कभी नॉलेज फुल होंगे तो सब चीज़ ठीक ठाक होगी, और ज़रा सा स्थिति नॉलेज फुल से नीचे आई तो फिर क्या होगा, स्थिति डगमग होगी तो आनंद की स्थिति भी नीचे आ जाएगी। बाप दादा बोले, जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहाँ तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। यानी बाबा ने हमारे आगे आदर्श रखा हुआ है संपूर्ण ब्रह्मा का, तो बाबा कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मा में फुल नॉलेज था, नॉलेज से फुल थे, ब्लिसफुल भी थे, तो उसको आदर्श रख के अपने आप को कंपेयर करना है कि जो उनकी फाइनल स्टेज है हमारी वो स्टेज है। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना? ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं वैसे हम मास्टर रचना भी हैं, ब्रह्म शिव बाबा की संतान हैं, तो सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है, देवताओं को भी तो रचना कहा जाता है, ब्राह्मण भी तो रचना है। तो बाबा कहते हैं कि कौन सी स्टेज धारण की हुई है, अगर मास्टर रचना की हुई है अर्थात हम ब्रह्मा बाबा की क्रिएशन हैं, उसकी संतान हैं, तो क्या होगा कि वो रचना की स्थिति में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं रचना की बजाय रचेता, मास्टर रचेता रहोगे तो फिर समानता आएगी। किस नशे में ज़्यादा समय रहते हो? आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लॉलेस हैं अर्थात फुल हैं। अगर फुल नहीं तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे, क्योंकि बाबा अगर विजय माला बनाते हैं तो उसमें कौन से रत्न आएंगे, जिसमें कोई भी फ्लॉ है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, फेल कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो, जैसे बाप की महिमा सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेज फुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेज फुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेज फुल बने हो, मास्टर तो हो ना, मास्टर नॉलेज फुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। बाबा ने आगे स्पष्ट किया है कि जैसे तुम मास्टर रचना और मास्टर रचेता, तो कौन सी स्टेज में रहते हो, एक स्टेज का क्या रिजल्ट आएगा दूसरी का क्या, तो बाबा के भी इस पूछने में दो राज हैं जो बाबा ने आगे स्पष्ट किए। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में तीन बातें देखी, वो कौन सी, यह भी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे, एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है।
राइट अधिकारी भी कितने बने हैं, साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं। तो लाइट, माइट और राइट, ये तीन बातें देख रहे थे। ये बाबा फुल स्थिति क्या हमें समझा रहे हैं कि फुल स्थिति में लाइट कितनी है, माइट कितनी है और राइट कितना है। तो बाबा कहते हैं तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना हम राइट होंगे उतना ही हमारी लाइट परफेक्ट होगी, फुल होगी, फैली हुई होगी, और उतनी ही हमारे अंदर शक्ति भी फुल होगी, जिसको जैसे बाबा ने कहा है कि बाबा नॉलेज फुल है तो पावर फुल है, तो पावर माइट को कहते हैं। अच्छा, प्रकाश फुल है पर बाबा के अंदर ज्ञान का, इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि सारा आधार राइट पर है। तो राइट का अर्थ होता है यथार्थ, और राइट अधिकार को भी कहते हैं। तो जितना यथार्थ होगा उतना ही अधिकार होगा। तो यथार्थ रीति से अगर सब कुछ करते हैं फुल रह करके, तो लाइट भी फुल होगी, माइट भी फुल होगी और अधिकार भी फुल मिलेगा। बाबा शब्दों को जोड़ के गुह्य रहस्य क्लियर कर देते हैं। आगे बोले, अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वो रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है, आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आवाहन अभी करना है। आवाज फैला है लेकिन आत्माओं का आवाहन करना है। आवाहन करना और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। यानी बाबा ने टोटल रिजल्ट बताई है कि बच्चों ने बाबा का संदेश दे देकर आवाज़ फैलाया है। यानी जैसे कोई सोया हुआ हो उसको आवाज़ करो तो जागता है। इसको बाबा कुंभकर्णों को जगाने की भी बात करते हैं। तो आवाज़ फैलाने से कुंभकर्ण जागता है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर वो सो जाता है। आप आवाज़ बढ़ाते जाते हो तो जागृत स्थिति में आता है। यानी आवाज़ उसने सुनी है, लेकिन आवाज़ के साथ बाबा ने कहा अब आगे क्या करना है कि आत्माओं का आवाहन करना है। यानी आत्माओं को समीप लाने के लिए अब मेहनत करनी है। बाबा कह रहे हैं आवाज़ से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं है, इसलिए आवाज़ से आवाज़ फैल रहा है, लेकिन जितना स्वयं आवाज़ से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अभी भले आवाहन करते भी हो लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आवागमन में आते भी हैं जाते भी हैं, लेकिन आवाहन के बाद आहुति बन जाए वो काम अभी करना है। ये बाबा ने बहुत गहरी सर्विस बताई है कि स्वयं क्योंकि आवाज़ की दुनिया में है तो आवाज़ द्वारा ही सेवा करते हैं, तो आवाज़ ही फैलता है। इच्छुक हैं आवाज़ से परे जाने के, जिसको के निर्वाण कहा जाता है वाणी से परे, या वान प्रस्थ कहा जाता है वाणी से परे, अर्थात अव्यक्त लोक में भी आवाज़ नहीं है, निराकार लोक में भी आवाज़ नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण, पार निर्वाण। इच्छुक हैं बाबा कहता है, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं है। तो इसी प्रकार से बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा कहते हैं जिन खुद भी उस स्थिति में आते हैं फिर जाते हैं, इसको आवागमन कहा जाएगा, सदा नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अन्य आत्माएं भी जो हैं खुद जिस स्थिति में होंगे उसको उसी में लाएंगे, तो
तो बाबा ने कहा आत्माओं का आवाहन करना है, तो जितना स्वयं उस स्थिति में रहेंगे उतना ही कर सकेंगे। अगर खुद आते जाते हैं तो आत्माएं भी थोड़ी देर के लिए उस स्थिति का अनुभव करेंगी, फिर नीचे आ जाएंगी। इसको बाबा आवागमन कह रहे हैं, यानी आना और जाना, स्थिति में रहना और फिर नीचे आ जाना। बाबा कहते उसके नेक्स्ट स्टेज आहूति, संपूर्ण आहूति जब दे दी उसके बाद आना जाना बंद हो जाएगा। नहीं, आत्माएं आती हैं और चली भी जाती हैं उस बाबा की अपनी सेवा करते हैं तो आती हैं, परंतु टिक नहीं पाती, चली जाती हैं। जो आ भी रही हैं रेगुलर, वो भी जैसे बच्चों की स्टेज है कि वो ऊपर अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं, आवाज से परे की का करते हैं, लेकिन फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसे ही फिर उनका भी हाल होता है। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन नॉलेज फुल के ऊपर आकर्षित करना है, अर्थात ज्ञान से आकर्षित होते, लेकिन जो ज्ञान दाता है परमात्मा है उसकी ये नॉलेज कहाँ से आ रही है उसके साथ उनका कनेक्शन जोड़ना है ना, उसकी ओर आकर्षण करना बाकी है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप, शूर वीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। यानी जो हमारा फाइनल शक्ति स्वरूप है जिससे माया मूर्छित हो जाए, बुराई भस्म हो जाए, और शूरवीर जो होता है, एक होता है योद्धा, तो योद्धा जो होता है वो नीचे की स्टेज है, क्योंकि योद्धा हारता जीतता है, मरता मारता है, लेकिन जो शूरवीर कहा जाता है वो विजयी होता है। तो बाबा कहते हैं वो आपका स्वरूप नैन चैन में नहीं है। ये जो बाबा ने कहा है कि रचना पर आकर्षित हो जाते हैं, और सीधी बात है कि आत्मा मास्टर रचयिता की स्टेज में होगी तो आकर्षण करेगी। अगर अभी तक भी इस दुनिया की, ये सारी दुनिया रचना है, जिसके व्यक्तियों में, वस्तुओं में, दृश्यों में, आकर्षणों में झुकाव होता है, तो रचना की ओर आकर्षित हो गए ना। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत न रख सके, लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि बाबा ने बताया कि वो ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, माया तुम्हारी दुश्मन है, आसुरी लक्षण वाले तुम्हारे दुश्मन हैं, कमज़ोर आत्माएं जो हैं उनको तो तुमने शक्ति देनी है। ये पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। अगर इस पुरानी दुनिया में कभी किसी प्रकार का कोई आकर्षण है तो रचना में आकर्षित हो गया ना। फिर बाबा कहता है ये आसुरी संस्कार है, फिर जिनके अंदर हैं वो भी आकर्षित कर लेते हैं, उनका रूप ऐसा होता है जिसे आकर्षित कर लेते हैं, ये बात है। अब कई बाबा जैसे कहते हैं कि भोजन जो है आपको बिल्कुल शुद्ध खाना है, बाबा की याद में खाना है, पवित्र आत्मा द्वारा बनाया हुआ खाना है। अब एक ग्रैंडफादर है, उसके सन की शादी हो गई तो बहू आती है, अब बहू तो भोगी जीवन व्यतीत करने वाली है, वो बहुत भोली भाली होती है देखने में क्योंकि नई नई है। तो अगर ग्रैंडफादर अपने उस असूल को ये सोचकर आकर्षित होकर के देखो बेचारी कह रही है भोजन, तो माया को बेचारा करके जैसे रावण था वो सीता की मर्यादा को तोड़ के उसको जेल में ले गया, इस प्रकार से कई प्रकार के आकर्षण यहाँ इस दुनिया में है। किसी को घूमने फिरने का आकर्षण है, वो कहते हैं इसमें क्या बुराई है सीनरियाँ देखने में, तो बाबा कहते समय तो गया। इस प्रकार से अनेक आकर्षण वस्तुओं का, पहनने का, खाने का, कई प्रकार का, मान का, शान का, उसमें समय तो जाता है। बाबा ने कहा है
जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। कारण देना गोया अपने को कारागार में डालना। ये बाबा ने बहुत ही हमें सावधान किया है कि अपने आप को छुड़ाने के लिए कि हम मजबूर थे, वातावरण ही ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी। जैसे वो बताते हैं ना कि जेल में थे, श्री कृष्ण के माता पिता जेल में थे और उसका जन्म कारागार में हुआ था। तो ये कारण देना, इस सारी दुनिया कारागार है क्योंकि रावण की जेल है, रावण की लंका जो है वो जेल है। तो बाबा कहते इस कारण देकर इसी में फंसना है। कारण नहीं दे, कारण देते जाएंगे तो कमियां मजबूत होती जाएंगी और अंत में मतलब आप जेल में रहेंगे ना, छूट तो नहीं पाएंगे ना। नहीं। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, न कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी ये दिन बहुत थोड़े रह गए। क्योंकि बाकी थोड़ा समय बचा है तो सब कुछ करके बाबा ने टिकाए रखा, चलाए रखा और पालना करते रहे। तो अब तक वही करते रहेंगे अगर, तो फिर संपूर्ण कैसे होंगे? फिर अनुभव करेंगे एक संकल्प के भूल के एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसी को बाबा कहता है कि धर्मराज की सजाएं यही प्रत्यक्ष रूप में फील होंगी। हैरान होंगे कि हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन एक भी यथार्थ कोई संकल्प किया, उसका कितना परेशानी उसकी महसूस होती है, कितना उसके अंदर पश्चाताप महसूस होता है, कितना बुद्धि उसमें कंफ्यूज होती है, कितना डिप्रेस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहता है ये सारा अनुभव होगा कि मैंने जो भूल की है तुरंत ही, जैसे एक का 100 गुना बाबा फल देते हैं। कहते हैं कि एक अच्छा कर्म करोगे तो कितनी खुशी तुमको आती है। इसी प्रकार से अब धर्मराज का पाठ शुरू होगा, रायत वगैरह हो गई, बहाने सुन लिए, कारण सुन लिए, परिस्थितियाँ सुन ली, तो बाबा कहते हैं रहम भी कर लिया। अब जब कोई जज के पास चले जाता तो रहम नहीं हो सकता ना। अब बाबा कहते हैं तुमको प्रत्यक्ष फील होगा। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही हैं। बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि अब बाप के पाठ से बदलकर धर्मराज का पाठ शुरू हो रहा। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बेहद की वैराग वृत्ति रखो, क्योंकि टीचर जब एग्जामिनर बन जाता है तो फिर पढ़ाई नहीं पढ़ाता, फिर परीक्षा लेता। बाप के आगे रचना हो लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित न रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। यानी इसमें बाबा ने ये जो मास्टर रचयिता और रचना बताया, मास्टर रचना बताया है। अब तक हम बाप का आधार लेते रहे, बाप का सहारा लेते रहे कि कोई गलती हो गई चलो बाप को कह दिया,
तो बाबा कहते हैं उसकी रचना के रूप में, जैसे पिता से पालना लेते हैं तो पिता बच्चे की हर गलती वगैरह को माफ़ कर देता है, लेकिन बाबा कहते हैं निरा अब जब पिता सदा पिता का आधार थोड़ी रहेंगे, अब बाबा धर्मराज का रूप करेगा, टीचर एग्जामिनर बनेगा, उस समय तो तुमको मास्टर चेता का रूप धारण करना पड़ेगा ना। जो कुछ टीचर से लिया, जो कुछ बाप से पालना ली, अब उसका प्रतिफल जो सर्वशक्तिवान स्वरूप है मास्टर सर्व, उसको धारण करना होगा। नहीं तो खुद को रचना मानते हुए तो रचना के आकर्षणों में आ जाएंगे, तो रचना रचना के रूप में देखेंगे तो बाबा कहते हैं वो और भी आपको परेशान करेगी। रचना के जो भिन्न भिन्न रंग ढंग बाबा ने कहे, वो भी बाबा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन चार प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सतयुगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। यानी बाबा कहते हैं एक भी फ्लॉ ना हो, रचना के रूप से तो 100% बाहर आ जाओ, हम मास्टर रचेता हैं। और फिर आप रचना, जो बाबा ने बताया रचना बनोगे तो आलस भी आएगा, अल्पेलापन भी आएगा, लापरवाही भी आएगी, तो ये सारी चीज़ें भूलों का रूप है और ये देह भान का भी स्वरूप है। बाबा ने चार प्रकार की भूलें कही ना, बचपन की, अलबेलेपन की, आलस्य की और और लाप बेपरवाही की। लापरवाही की। हाँ और जो बाबा ने ये कहा है कि पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप, ये देखो। क्योंकि ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो जागती ज्योत का स्वरूप का अर्थ है कि सदा अटेंशन में रहो, सावधान रहो, अपनी तीसरी आँख को खुली रखो। और इसी प्रकार से बाबा कहता है ज्योति स्वरूप है, जागृत स्वरूप है, शस्त्रधारी स्वरूप है। तो देवियों के दिव्य शस्त्र जो दिखाए गए हैं, अगर आप सारी गीता पढ़ें तो उसमें यही है, दे पांडवों ने दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए, दिव्य शंख बजाए। तो वो बाबा कहते हैं कि कोई युद्ध उस प्रकार का नहीं है, हमारा तो माया से युद्ध है। तो बाबा ने जो शस्त्र दिए हुए हैं, जैसे हमको गदा दिया हुआ है, चक्र दिया हुआ है, कमल दिया हुआ है न्यारे रहने का, तो बाबा कहते हैं इन सभी शस्त्रों को धारी रह के शस्त्रधारी शूरवीर रहना अभी आपके अपने अपने भक्त, है। आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपके संपूर्ण मुहूर्त प्रत्यक्ष होंगे, तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं, बल आवाज सुनेंगे, लेकिन ये भी याद रखना, एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वो भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, अब रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। अब बाबा कहते हैं धीरे धीरे देखो कि माया कहाँ कहाँ पहुँच रही है। जैसे
बाबा कहता है कि टीवी है, तो टीवी को बाबा टीवी की बीमारी भी कहते थे, सिनेमा को सिन की माँ कहते थे। वो घर घर पहुंच गया, चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो उन उन आकर्षक चीज़ों जो उनको फ्री में मिल जाती हैं उनके द्वारा माया को कितना ग्रहण कर रहा है। एक तो वैसे भी गरीब है, लेकिन और ज़्यादा चरित्र की गरीबी उसके अंदर आ रही है। इंटरनेट के अंदर कितनी ख़राब चीज़ें फ्री में दिखाई जाती हैं, जिसमें युवा लोग अपने ज्ञान ना होने के कारण फंस करके क्या कुछ कर रहे हैं, तो घर बर्बाद हो रहे हैं, भारत के अंदर नारियों की लाज लुट रही है। ये सारा जो महाभारत का धर्म ग्लानी का सीन है, ये माया के आकर्षण में आने का ही तो है। व्यक्ति भोजन खाना भूल करके इस प्रकार के दृश्य देख करके अपने मन को दूषित कर रहे हैं। बाबा ये जो कह रहे हैं रियायत, बाबा पहले कंसेशन देता रहा है बच्चे के रूप में, चलो गलती की, शाबाश बच्चा शाबाश, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। बाबा कहते हैं रचना के रूप में, मास्टर रचना रहे कि चलो बाबा बैठा है, हम यही कहते हैं ना, टीचर बैठा है, कोई बात नहीं, अभी परीक्षा आई नहीं, तो टीचर फिर भी सुधार करता रहता है। नालायक बच्चा भी हो उसको भी चलाता रहता है, जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को पता भी होता है ये पेशेंट मर जाएगा या ये पेशेंट काफ़ी समय इलाज कराएगा, चलाता तो रहता है ना उसको। तो बाबा कहते हैं रियायत ही हुई कि नहीं, कि चलो आगे चलो, शाबाश, आगे बढ़ो, पीछे छोड़ो, लेकिन ऐसी स्थिति अब ख़त्म होने वाली है। जैसे गलती, जिसको गलती माफ़ कहते हैं, मान लीजिए एक जेब कतरा है, उसको पुलिस वाला पकड़ता है, कहता है अच्छा जी आगे नहीं करूँगा, दूसरी बारी पकड़ लेता है, तीसरी बारी छोड़ देता है, आखिर क्या कहता है कि अब तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसको ले जाता है कोर्ट में। इसी प्रकार बाबा कहता है अब कोर्ट में जाने की तैयारी रखो। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल, तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं, इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो, बाप दादा तो अव्यक्त हैं, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है, इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। हमें तो कोई देखता ही नहीं, हम तो गलती किए जा रहे हैं, बाबा तो अव्यक्त है, सामने बाबा था तो पूछ लेता था, बाबा कहता ऐसे नहीं समझना, तुम्हारा रिकॉर्ड नोट हो रहा है। आज की दुनिया में भी जो अगर आप देखेंगे, पहले कोई सिपाही चोर को पकड़ता था, आजकल कैमरे लग गए हैं, तो कैमरे में क्या होता है, हर एक का चित्र नोट होता रहता है। इसी प्रकार से ये तो संसार है, बाबा कहते हैं मेरे पास तो ऐसा सिस्टम है जिससे एक एक संकल्प, जैसे डॉक्टर के पास मशीनें होती हैं जिसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड लगातार चलता रहता है और प्रिंट भी निकल आता है उसका, तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो हर बच्चे का एक एक संकल्प का रिकॉर्ड वहाँ मेरे पास पहुँचता है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है, संपूर्णता को समीप लाना है। अब देखो ना, बाबा कहते हैं परवाह पहुंचता है। अब कोई बच्चे हैं अमृत वेले नहीं उठते, वो सोचते कोई बात नहीं, अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, हम थके हुए हैं, हम लेट आ गए, बहाना कर लेते हैं, कोई पूछेगा तो हम कह देंगे ऐसा हुआ था। तो बाबा कहता है लापरवाही बेपरवाही है, नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, क्लास में मुरली चलनी है, रास्ते में किसी से बातें करते आ रहे हैं,
चलो 5 मिनट लेट पहुंच जाए, तो लापरवाही है ना। हर काम में जो लापरवाही है, सेवा भी करते हैं तो उसमें कुछ कुछ अपना ऐड करें, तो इस प्रकार की बेपरवाही ईश्वरीय मर्यादाओं से ऊपर पहुंचती है। कहां संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए, सामना करना ही नहीं आता तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। इसमें बाबा ने एक शब्द के दो अर्थ बताए हैं समस्याओं को। एक है सामने रखते हैं, सामने रखे हुए हैं तो समाधान तो नहीं होगा ना, तो समस्याओं का सामना करके उनको समाप्त करना है, ये आर्ट नहीं आता। तो एक समस्या खत्म होती, आगे उन्होंने स्क्रीन पर समस्या लिखा हुआ है, एक समस्या सुलझाई दूसरी आ गई, तो समस्या को समाप्त करना जो है वो जरूरी है। बाबा कहते पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दें तो वृद्धि ना हो, समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है, अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। समस्या का निप द इवल इन द बड, जैसे कहा जाता है ना, समस्या के उत्पन्न होते ही उसकी समाप्ति कर देनी है, बड़े फिर उसके साथ युद्ध करें तो उसमें वेस्ट जाता है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी, अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज़ स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा, समझा? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता। अब आप देखेंगे साइंस ने ऐसे ऐसे यंत्र इन्वेंट किए हैं, जैसे कोई व्यक्ति सिक्योरिटी चेक से क्रॉस होता है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, किसी सिक्योरिटी एरिया में, तो उन्होंने यंत्र रखे होते हैं, आप उसमें से पास करते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती तो घंटी बजती है। उनके पास हाथ में भी कुछ यंत्र होता है जिसको आपकी बॉडी पर घुमाते हैं तो उनको पता लग जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के यंत्र साइंस के हैं, जैसे मान लीजिए कहीं बॉम्ब दबा हुआ है, उसको वो पता कर लेते हैं कि यहाँ एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अंदर की चीज़ प्रत्यक्ष हो जाती है, इसी से वो बचते हैं या सजा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो आध्यात्मिक है, इसमें भी कोई समझे कि मैंने छुपा लिया, मैंने ऐसे कर लिया, कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, किसी ने पूछा भी तो उसको बहाना करके टाल दिया। तो बाबा कहते हैं नारद एक नहीं था, जैसे अर्जुन एक नहीं था, तो अनेक नारद निकलेंगे जो आएंगे इस भेष में, लेकिन बाबा कहते छुप थोड़ी सकेंगे, उनको कहेंगे अपना चेहरा देखो तो आईने में उनको बंदर जैसा दिखेगा कि हम तो लक्ष्मी को वरने लायक है ही नहीं, सज्जू को जाने लायक है ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि सावधान रहो। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वो पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। पहले वो वाली पॉइंट ले लेते हैं, नाजुक समय को छोड़ने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। यानी नाजुक का अर्थ है जिसके अंदर कोई कमी है, कमजोरी है, कोई फ्लॉ है, तो बाबा कहते हैं वो प्रभावित हो जाएगा या आकर्षित हो जाएगा या दबाव में आ जाएगा, परिस्थितियों के अधीन हो जाएगा, समस्याओं के अधीन हो जाएगा। तो बाबा कहता है जब नाजुक समय आएगा
उस समय तो शूर वीर योद्धा विजयी जो होगा वही उसको क्रॉस कर सकेगा। अगर खुद ही नाजुक है तो नाजुक समय में उसका क्या हाल होगा। नाजुक समय से क्रॉस करने के लिए बाबा ने कहा वो ऐसा समय आएगा जब प्रकृति के पांचों तत्व इकट्ठे होकर अटैक करेंगे। अब तक जो थे एक एक करके अटैक करते थे, द्वापर में तो थोड़ा सा ही था, कलयुग के अंदर आप देखेंगे कभी पानी का अटैक आ गया, कभी हवा का आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, लेकिन जब पांचों तत्व इकट्ठे होकर अटैक करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। इसलिए आत्मा को बहुत ही अपनी स्थिर अचल स्थिति बनानी है, अचल अटोल निर्विघ्न बाबा ने बताया हुआ है। अगर आपको सज्जू का स्वराज्य आपका अटल अखंड अडोल निर्विघ्न है तो उसकी प्राप्ति के लिए आत्मा भी इतनी शक्तिशाली होंगी, विजयी होंगी। तो बाबा कहते हैं अगर नाजक रहे, अर्थात जरा सी बात में, जैसे वो बाबा मिसाल देते हैं टच मी नॉट का एक पौधा होता है, हाथ लगाओ मुरझा गए, तो मूड में रहे, कभी डिप्रेशन में आ गए, कभी उदासी में आ गए, जो भी नाजकपने की चीज़ें हैं, अर्थात कोई ना कोई कमी के कारण इस प्रकार की स्थिति में रहे, तो उसकी बाबा ने वार्निंग दी है कि समय बहुत नाजक आ रहा है, उसको बहादुर शूर वीर विजयी, वो भी हर प्रकार की परिस्थिति के विजयी ही उसको पार कर सकेंगे और दूसरों को भी करवा सकेंगे। बाबा कह रहे हैं हर्षित मुख रहने का जो गुण है वो पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, ये बाप की गारंटी है। लेकिन वो तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। जब किसी के अंदर कोई ना कोई अभाव या कमी होती है या कोई इच्छा होती है तो उसी के प्रलोभन में आकर उसी का फायदा लेकर जो लोग उसको अपने जाल में फंसाते हैं। मान लीजिए कोई धन से गरीब है तो उसको धन का ज़रूरत है तो धन का लालच देकर उससे खराब से काम भी करवा लेते हैं क्योंकि उसके अंदर वो कमी है। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन है तो बाबा कहते हैं आप जैसे कुंभकर्ण के लिए कहते हैं उसको कुछ जलेबी वगैरह दिखाते हैं तो सुंगाते हैं तो जाग लेता है, अर्थात उसको खाने पीने का शौक है। तो किसी ना किसी प्रकार का भी मायावी आकर्षण होगा तो वो आपको फंसाएगा। तो हर्षित जो होगा अर्थात इन आकर्षणों से परे होगा, बाबा गारंटी करते हैं उसको माया अपने तरफ खींच ही नहीं सकती। बाबा ने कहा है ये गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, सभी से नहीं करते, क्योंकि जो आदि रत्न होते हैं उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ, जब अनादि बन जाएंगे फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिवान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वो स्नेह और कहाँ समस्या, वो राई वो पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिवान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। इसमें बाबा ने देखिए दो तीन बातें कही हैं। एक तो कहा है कि आदि, तो आदि रत्न का अर्थ क्या है कि जो शुरू के हैं यज्ञ की स्थापना, जिनको बाबा ने बहुत पालना दी है, बहुत ज्ञान की शिक्षा दी है, बहुत सहयोग दिया है, बहुत साथ दिया है, तो बाबा के उनसे विशेष स्नेह होगा कि नहीं? उनसे उम्मीद रखी जाती है कि ये इतनी सारी पालना लेने के बाद ये बिल्कुल फ्लॉलेस हीरा बनेंगे, फुल बनेंगे हर चीज़ में। तो बाबा कहते हैं जो आपका आदि है स्वरूप है उसको अनादि स्वरूप बना लो, क्योंकि हमारे आदि स्वरूप भी है अनादि स्वरूप भी है। तो अनादि अर्थात आत्मसार कर लो,
क्योंकि आत्मा अनादि है, जो वो सारे संस्कार फुलनेस के हैं आत्मा में आ जाएंगे तो आत्मा सर्वगुण संपन्न हो जाएगी, 16 कला संपूर्ण हो जाएगी, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अनादि बनाने से तुम्हारी वो चीज़ अपनी हो जाएगी। फिर दूसरे बाबा ने बाबा का स्नेह बताया है कि बाबा के स्नेह के आगे समस्या क्या है। बाबा से इतना बाबा के लव में लीन रहोगे तो छोटी मोटी परिस्थिति आती नहीं। किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कोई लाभकारी चीज़ हो या कोई बहुत आवश्यक काम करना हो तो उसको भीड़ भाड़ भी दिखाई नहीं देती, उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं स्नेह सहनशीलता को बढ़ाता है, स्नेह के आगे छोटी मोटी चीज़ सहन करने का ख्याल ही नहीं आता। जैसे माँ बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए रात भर जागती है, कुछ भी कर लेती है, तो बाबा कहते हैं उसके आगे समस्या क्या है। तो बाबा कहते हैं अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वो अलग नहीं होते, साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। हाँ, अकेले को ही पकड़ते हैं ना। दुनिया के अंदर भी देखो, कोई खतरनाक जगह होती है तो अकेले नहीं जाने देते, कहते अकेले मत जाना, क्योंकि अकेला करके ही दुश्मन मारता है। तो बाबा कहते हैं साथी, सर्वशक्तिमान को साथ रखोगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान रहोगे। अगर आपने मास्टर सर्वशक्तिमान को अलग कर दिया, अपनी सप्लाई लाइन ही काट दी, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान पूरा टाइम रह नहीं सकते। अपनी शक्ति चलाओगे, जहाँ आपकी शक्ति कम हुई माया ने वार किया। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समय का इशारा देते हुए कहा है कि बच्चे अब फ्लॉलेस बनो। वो समय था जब बाबा भूले हमारी क्षमा कर देते थे, लेकिन बाबा कहते हैं अब वो समय भी गया और बाबा ने आज तो पहली सीटी बजा दी है समय की सूचना देते हुए कि बच्चे अपनी तैयारी रखो। मार्शल ने सीटी बजाई, माना समय बहुत कम है। ध्यान रखते हुए आज की जो मुरली है, जो छोटी छोटी बातें बाबा ने कही कि भूलें उन्हें भी हम एंड करें, और उसके साथ साथ बाबा ने जो कहा है लाइट माइट और राइट, इन तीन शब्दों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को फ्लॉलेस तैयार करें। और बचपना, आलस्य, अलबेलापन और बेपरवाही, ये इससे बचना है। ओम शांति।